फेस्टिव सीजन में आशा 2022 स्कीम के तहत एसएल रियल्टी ने पंचकुला प्रोजेक्ट का भूमि पूजन कर दिया है, यानी उन होम बायर्स का सपना पूरा होने वाला है जिनका ड्रॉ में फ्लैट निकला है। और इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत है इसकी प्राइस, और साथ ही इस प्रोजेक्ट में अलग से एस्क्रो अकाउंट खोलने का भी प्रावधान है। जो वादा किया उस पर खरा उतरने का समय आ गया है। हम बात कर रहे हैं एसएल ग्रुप की स्कीम आशा की। इस फेस्टिव सीजन में एसएल ग्रुप ने अपने पंचकुला के प्रोजेक्ट का भूमि पूजन कर दिया है। ये प्रोजेक्ट उन होम बायर्स की उम्मीदों पर खरा उतरेगा जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाया है। इस भूमि पूजन में कई लोगों ने शिरकत की। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे इस एरिया में एक ऐसा प्रोजेक्ट आया जिसे एक आम जन को, एक आम गरीब आदमी को भी एक छत उपलब्ध होगी, और जो इससे हमारे पूरे एरिया की डेवलपमेंट की बात है उसमें भी मेरे जो ख्याल है उसमें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए अलग से एस्क्रो अकाउंट खोला गया है, यानी होम बायर्स जिस बात से डरते हैं कि कहीं उनका पैसा गलत इस्तेमाल ना हो, अब ऐसा नहीं होगा। एस्क्रो अकाउंट खुलने से इस डर की कहीं भी गुंजाइश नहीं रहती, यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल जिसके नियम लगभग तैयार हो चुके हैं, एसएल ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट में पहले ही उन नियमों को ध्यान में रखा है। देखिए, जी ग्रुप और चेयरमैन सुभाष चंद्रा जी के ग्रुप से होने के नाते हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर्स की तरफ भलीभांति समझते हैं, और हम लोगों ने इसमें कमिटमेंट किया है कि अगर हम 3 साल में, जो कि इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड रहेगा प्रोजेक्ट का, उसमें हम डिलीवरी बाय चांस अगर नहीं दे पाते हैं, हालांकि वो डेफिनेटली 100% हम देंगे, तो अगर नहीं हो पाती डिलीवरी तो हम कस्टमर्स को 12% प्रति साल का ब्याज अदा करेंगे, जो कि अभी तक रियल एस्टेट में किसी ने कभी प्रॉमिस नहीं किया है। इसके अलावा हमने एस्क्रो अकाउंट भी खोला हुआ है एक प्राइवेट बैंक के साथ, जिसमें कि 70% प्रोसीड्स जो कस्टमर्स की आएंगी वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में यूज होंगी। एसएल ग्रुप के इस प्रोजेक्ट में हर वो सुविधा देने की कोशिश की जाएगी जिससे आम आदमी के सपनों का आशियाना पूरा हो सके। आशा स्कीम की सबसे बड़ी बात इसकी कीमत है। इस कीमत में होम बायर्स को 2 BHK 28,50,000 रुपयों में मिल रहा है, जबकि 3 BHK की कीमत 36,17,000 रुपए रखी गई है। एसएल ग्रुप जिस कीमत पर घर दे रहा है, ट्राई सिटी के आसपास कहीं भी इस कीमत पर घर का सपना पूरा नहीं हो सकता। होम बायर्स इसलिए भी खुश हैं क्योंकि कम कीमत में उन्हें ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। नंबर एक तो हमें जगह पसंद आई, क्यों कि मोहाली एंड जीरकपुर बहुत ज़्यादा हॉचपॉच हो चुकी है, ठीक है, एंड दिस ए वेरी लोनली प्लेस, मेन रोड NH 73 पे सिचुएटेड है, ठीक है जी। और जो सबसे बड़ी बात हमको ये लगी कि जो ग्रुप बना रहा है दैट इज़ ए फेमस देशभक्त ग्रुप है, और उससे हमें उम्मीद है कि ये बिल्कुल टाइमली हमको अच्छा काम करके देंगे, यानी आई थिंक इट्स ए वैल्यू बाई फॉर मी। यहाँ पर पूरा फैसिलिटीज, ग्रीनरी, इन्वायरमेंट पूरा बच्चों के लिए प्लेइंग और सारी चीज़ बहुत अच्छी, मतलब लोकेशन है, इसमें बच्चे भी पूरे अच्छे वातावरण, अच्छा माहौल पाएंगे। एसएल ग्रुप का रियल एस्टेट में आने का मकसद आम आदमी के घर के सपने को पूरा करना है। कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत हरियाणा के पंचकुला से की है। पंचकुला प्रोजेक्ट की शानदार शुरुआत के बाद कंपनी के हौसले बुलंद हैं, और ये भी दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में दूसरे शहरों में और भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे। कुलवीर दीवान के साथ गौरव खोसला, जी मीडिया, पंचकुला। प्रॉपर्टी प्लस में अब वक्त है प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी कुछ और खबरों पर नजर डालने का जो इस हफ्ते की सुर्खियां बनी इस हफ्ते के प्रॉपर्टी न्यूज में। त्योहारी सीजन में RBI ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इस कटौती के बाद रेपो रेट 6.50 से घटकर 6.25 और रिवर्स रेपो रेट 6 से घटकर 5.75 हो गया है। RBI के इस फैसले के बाद EMI का बोझ कम हो सकता है।
देश के 7 बड़े शहरों में चालू वर्ष के शुरुआती 6 महीनों के दौरान मकानों की बिक्री 102% कम हुई है, जबकि इसी समय के दौरान सप्लाई में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।